Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, welcome back to your class और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है अगेन आपका ई पाठशाला के चैनल पे. और आप सभी को पता है आप अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस क्लास 12th की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे थे. और दोस्तों हम नई सीरीज के अंदर अकॉर्डिंग टू नया सिलेबस जो भी कुछ ऐड हुआ है, रिम्यूव हुआ है, वो समझने की कोशिश कर रहे थे. हमने पहले चैप्टर के अंदर राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में बहुत कुछ समझा था और हमने सारे चैलेंजेस समझे थे. वीडियो के 5 पार्ट आए थे और आई होप आपने वो पार्ट समझा होगा, देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि जब हमारा भारत देश नेशन बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा था और जब देश बनने की कोशिश हो रही थी आफ्टर 1947, तो उस टाइम पीरियड के बाद हमने ये एनालाइज करा कि कैसे उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किस किस तरीके से होगा. तो हमने उसके सारे ओर छोर पढ़ने की कोशिश करी थी. और दूसरा चैप्टर दोस्तों एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसे आप हिंदी में एक दल के प्रभुत्व का दौर बोलते हैं दोस्तों, ये क्लास 12th की दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर आपका सेकंड था. बट अकॉर्डिंग टू न्यू सीरीज आपको ये चैप्टर रिमूव करना पड़ रहा है दोस्तों. ये चैप्टर सेकंड जो है ये आगे आने वाली यूनिट के अंदर मर्ज हो चुका है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर नहीं आ रहा है. तो द ग्रेट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल द स्टूडेंट, जो भी सीबीएसई बोर्ड हैं या जिनका भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक होती है दोस्तों, उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर नहीं आ रहा है. तो आप ज़रूर, अगर आपको लगता है कि सेकेंड चैप्टर आ रहा है, तो हमने इसके ऊपर वीडियो पहले ही बनाई हुई है, आप वो वाली सीरीज़ भी देख सकते हो. बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दोस्तों अब ये आपका तीसरा चैप्टर आ रहा है. जैसे आप पॉलिसी ऑफ प्लान डेवलपमेंट बोलते थे, इसे हिंदी में नियोजित विकास की राजनीति बोला जाता था. ये वीडियो का पहला पार्ट है दोस्तों और इस पूरे चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1950 के बाद जब हमारे भारत देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, हमारे भारत देश के अंदर पूरी तरीके से सारे लॉ एंड ऑर्डर बन चुके थे, देश के अंदर इलेक्शन हो चुके थे, देश में नई सरकार आ चुकी थी, और दोस्तों उसके बाद हमारे देश के जितने भी राजनेता थे, जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें ये समझना था कि देश को अब एक प्लानिंग से चलाना है. और इस चैप्टर को इसीलिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस डाला गया है. और दोस्तों इसके अंदर ना नया पार्ट भी ऐड हुआ है, तो आपको ये फोकस ज़रूर करना है कि इस वीडियो के अंदर आपको नया पार्ट भी मिलेगा ज़रूर. तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को. और ये वीडियो का पहला पार्ट है, सेकेंड चैप्टर नहीं आ रहा है. सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट दोस्तों, आप अगर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे इस वीडियो के, तो आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से प्रिंट हो जाएंगे, आप उनका यूज़ करिए और पेपर में इस्तेमाल कीजिए. सो अब हमें ये जानना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑल वी नो दैट अकॉर्डिंग टू 1947 हमें देश में आज़ादी मिल चुकी थी और 50 तक हमने अपने देश के अंदर जो भी दिक्कतें हमारे सामने आ रही थी, उन सभी दिक्कतों को हमने समाधान करने की कोशिश करी थी. 50 तक हमें कहीं ना कहीं हमने सब कुछ डिस्प्यूट सॉल्व कर लिए थे और हमें अब ये देखना है कि अपने देश को ऐसे डेवलप करने की कोशिश करनी है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का, आर्थिक विकास का. अगर हमारे देश के अंदर आर्थिक विकास होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और देश का विकास होगा. और इसका मेन मकसद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये भी रहेगा कि सभी को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके, जैसे आप हिंदी में सामाजिक और आर्थिक न्याय बोलते हैं दोस्तों. तो इससे देखो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो सभी के लिए अच्छा है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है, देश के फ्यूचर के लिए अच्छा है और हमारे अच्छे ग्रोथ के लिए, अच्छे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसीलिए विकास सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था दोस्तों. और ये विकास कब होगा, कब पैदा होगा, किसी को नहीं पता. एवरी इलेक्शन आप देखोगे, इलेक्शन में आप कभी भी देखेंगे तो हमेशा हर नेता विकास की बात करता है, आप मुझे वोट दीजिए मैं आपकी गलियां स्वर्ग जैसी कर दूंगा, आपके घरों के अंदर मीठा पानी आएगा, वगैरह वगैरह चीज़ें. क्योंकि हर किसी व्यक्ति को पता है कि जीवन में
अगर किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लाइफ में थोड़ा सा भी डेवलपमेंट हो जाएगा तो भाई वो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड की लाइफ जी सकता है, अच्छे वातावरण में रहना उसको अच्छा लगेगा इस मामले से, है ना। तो ये सारे रीज़न होते हैं। सो दैट इज़ वाई आफ्टर 1955 मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट 1955 बोल दिया, मैंने गलत कर दिया, लेकिन 1950 बोलना था मुझे। 1950 के बाद जो भी हमारी केंद्रीय सरकार थी, केंद्रीय सरकार आपको पता है कांग्रेस सरकार थी दोस्तों। केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार का मेन मकसद यही था कि यार हमें फोकस करना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, तो इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर फोकस करा और इसीलिए अ की रोल बाय द गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट। दोस्तों अब देखेंगे विकास में सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब दोस्तों मैं एग्जांपल आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि देश का विकास करना है, मैं उस देश के विकास के अलावा मैं आपसे क्या कहते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप अपने घर का है, घर के मेंबर हैं, आपको अपने घर के अंदर ये पता है कि 10,000 सैलरी यार हर महीने आती है, तो अगर आप भी अपने घर के ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो उसके लिए तो प्लानिंग बनाएंगे ना। आपको ये तय करना होगा कि यार 10,000 रुपये हैं अगर मेरे पास, तो 10,000 में से 1% कहाँ खर्च होगा, 2% कहाँ खर्च होगा, 1% कहाँ खर्च होगा, 3% कहाँ खर्च होगा, 12% कहाँ खर्च होगा, 47% कहाँ खर्च होगा और 38% कहाँ खर्च होगा, ये सब हमें सोचना पड़ता है। तो इस तरीके से किसी भी व्यवस्था के अंदर पैसे को एक प्लानिंग से खर्च किया जाए और इसी को ही हम प्लान डेवलपमेंट बोलते हैं। ये तो घर की बात हो गई, और यही एग्जाम्पल आप देश के लिए ले लो कि देश के अंदर जो भी पैसा होता है उसको सही तरीके से खर्च करने की प्रतिक्रिया जितनी भी होती है, प्रक्रिया जितनी भी होती है, उन्हीं को ही हम नियोजित विकास बोलते हैं। तो आपको नाम से ही समझ में आ चुका होगा नियोजित विकास का मतलब ऐसा विकास जो एक सही नियोजन सही प्लानिंग से हो, उसे हम प्लान डेवलपमेंट बोलते हैं। तो आइडियाज़ फॉर द डेवलपमेंट, अब दोस्तों देश के सामने एक नई चुनौती यही थी कि 1950 के बाद कहाँ से आइडिया आएंगे कि यार हम मतलब किस लेवल की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्या हम ये बात कर रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन मतलब अगर विकास हो रहा है तो हमारे को टेक्निक अच्छी मिल जानी चाहिए, या हम विकास करना चाहते हैं तो हम वेस्टर्नाइज हो जाएं, क्योंकि यूरोप की तो बहुत सारी कंट्रियाँ जो है डेवलप्ड हैं, तो क्या हमें उनके जैसा बनना है, अगर उनके जैसा बनना है तो कौन सी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, और अगर हमें मॉडर्नाइजेशन बनना है जैसे आप आधुनिकीकरण बोलते हैं, तो दोस्तों 1950 के बाद भारत के पास तो वो सारी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो भारत करे क्या। भारत अपनी जो मैं बोल सकता हूँ जमीनी हकीकत जो 1950 में भारत के पास थी, तो उसी को ही तो वो लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वो एकदम से ही तो वो एग्जांपल आपने सुना होगा ना कि जितना जितनी बड़ी आपके पास चादर हो उतने ही आपको पैर पसारने चाहिए, है ना। तो ऐसा ही सेम एग्जांपल लोगों के दिमाग में ये था कि क्या हमें मॉडर्नाइज हो जाना चाहिए और क्या हमें एकदम से वेस्टर्नाइज होना जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड पॉवर्टी एलिवेशन एंड द सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, यहाँ पे भारतीय सरकार ने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण के कार्यक्रम चलाए। उनको ये पता था कि यार हमारे देश के अंदर गरीबी की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और अमीरों की संख्या बहुत कम है, हमें कुछ ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम बनाया जाए, जहाँ पे निचले स्तर के लोग भी जो है वो भी काम करें और जो अपर लेवल के लोग हैं वो भी काम करें। सो दोस्तों इसीलिए हमने इंडियन इकोनॉमिक्स ने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही आइडियोलॉजी अपनाई थी, बाद में जाके, पहले नहीं, बाद में जाके। जब देश आज़ाद था दोस्तों तो आपको पता है ना चाइना ने कौन सा मॉडल अपनाया था, चाइना ने सोवियत मॉडल अपनाया था अगर आपको याद हो, और हमारे भारत ने भी सोवियत मॉडल ही अपनाया था शुरुआती समय में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। सोवियत मॉडल कहने का मतलब ये हो गया कि ज़्यादातर अर्थव्यवस्था का हस्तक्षेप सरकार के हाथ में रहे, उसे हम सोवियत मॉडल बोलते हैं, और चाइना ने आज भी सोशलिस्ट मॉडल ही अपना रखा है। लेकिन हमारे भारत देश ने बाद में जाके मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जिसमें थोड़ा सा सरकार के हाथ में भी कंट्रोल रहेगा और थोड़ा सा पूंजीवादियों के हाथ में भी कंट्रोल बना रहेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड द मिक्स इकोनॉमिक। लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पर हमारा सोवियत मॉडल था, तो ये याद रखना, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब दोस्तों
इसके लिए मैंने आपको बताया ना अभी कि किसी भी देश को या किसी भी घर को चलाने के लिए एक योजना की ज़रूरत पड़ती है, और योजना को हम हिंदी में प्लानिंग बोलते हैं। और अगर यही प्लानिंग सिस्टमैटिक ढंग से हो, सुनियोजित तरीके से हो, नियोजित तरीके से हो, तो वो प्लानिंग कामयाब होती है। हर बच्चा एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं रात के राजा बनते हैं, रात में एक दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि आने वाले पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको किसी भी पढ़ाई को करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से, एक प्लानिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। जैसे कि बच्चों को नहीं पता कि सेकंड चैप्टर भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सेकंड चैप्टर पढ़ लेंगे, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर आ ही नहीं रहा। सो दिस इज़ कॉल्ड द प्लान स्टडी। आप अपने रियल लाइफ में देख लीजिए आप, या इस चैप्टर के एग्जाम्पल से देख लीजिए, है ना। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्लानिंग। देखो, गवर्नमेंट का रोल तो इम्पॉर्टेंट हो ही गया कि गवर्नमेंट सोचेगी ना कि गवर्नमेंट के पास सारा पैसा है, सारी मिलिट्री, सारी पावर, सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, इसलिए गवर्नमेंट को ही हर चीज़ की प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पहले से ही बॉम्बे प्लान भी हुआ था। बॉम्बे प्लान बाय द ग्रेट इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो डिमांडेड फॉर द प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि 1950 के बाद हमारे भारत देश के अंदर ये प्लानिंग जैसी चीज़ें बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन दोस्तों, 1944 के अंदर बॉम्बे प्लान हो चुका था। बॉम्बे प्लान में बड़ी बड़ी उद्योगपति, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने भी कहा था कि आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप किस तरीके से कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए यहाँ पे बॉम्बे प्लान 1944 के अंदर हुआ था। बॉम्बे प्लान के ऊपर क्वेश्चन भी आता है, ये कौन से ईयर में हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फाइनली हमारे भारत देश ने योजना आयोग की स्थापना करी। दोस्तों, ये एक अलग से गवर्नमेंटल बॉडी है। गवर्नमेंटल बॉडी कहने का मतलब सरकार का ही एक हिस्सा है योजना आयोग, और ये 1950 मार्च में बनाया गया था, इसकी स्थापना करी गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है कि प्रधानमंत्री हमेशा ही इसका चेयरमैन होता है। चेयरमैनशिप जो होती है, दैट मीन्स इसका जो अध्यक्ष होता है, वो हमेशा प्रधानमंत्री ही बना रहता है। आपको दिमाग के अंदर इस बात को डाल लेनी है कि प्रधानमंत्री ही हमेशा प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष होता है, और जो उपाध्यक्ष चुनने की पावर होती है वो भी प्रधानमंत्री के पास ही होती है। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बनाई गई। प्लानिंग कमीशन इसलिए बनाई गई कि प्रधानमंत्री अकेला तो सोच नहीं सकता है कि देश के विकास के लिए सही कदम कौन से हो सकते हैं, उसे कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ पीपल की, एक अलग कमीशन की, एक अलग आयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में, और आज भी ये प्लानिंग कमीशन चल रहा है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अब उसका नाम नीति आयोग पड़ चुका है। ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है बच्चों, आपको ये याद रखना पड़ेगा। न्यू सिलेबस के अंदर ये चीज़ ज़रूर आएगी, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, तो इससे रिलेटेड मैं आपको अभी सारी बातें बताने वाला हूँ। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन इज़ बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि प्लानिंग कमीशन जब था वो सोशलिस्ट मॉडल बेस्ड था, वर्स्ट फॉर्म फॉर प्लान डेवलपमेंट फॉर इंडिया ऑफ इंडिया। तो मतलब उस समय सोशलिस्ट बेस्ड मॉडल बनाया गया था ये इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों, इंडिपेंडेंट स्पीच कब, 15 अगस्त 2014 के दिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको बंद करने के लिए कहा। किसको? प्लानिंग कमीशन को बंद करने के लिए कहा। कब? 15 अगस्त 2014 के दिन। और फाइनली इसको फिर नाम चेंज करा गया और इसका नाम प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग कर दिया गया। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और आपको इस पे फोकस करना है कि 1 जनवरी 2015 के दिन प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। और दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। इसका मेन काम यही रहेगा कि ये पूरी तरीके से तकनीकी और जितनी भी आवश्यक सलाहें होंगी वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को देने की कोशिश करेगा। कौन? नीति आयोग। नीति आयोग का कौन हेड रहेगा? अगेन वही प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा हेड रहते हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम नीति आयोग का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। हाँ, मैंने आपको ये भी बता दिया था, नीति आयोग के जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं
एक्स ऑफिसो चेयरमैन जिसे आप उपाध्यक्ष बोलते हैं उसको नियुक्त करने की शक्ति भी हमेशा प्रधानमंत्री के पास ही पाई जाती है। तो यहाँ पर नीति आयोग 2015 1 जनवरी को बन गया था, अब इसे प्लानिंग कमीशन नहीं कहा जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की स्थापना इसलिए करी क्योंकि उनको लगता है कि थोड़े बहुत चेंजेस इनके अंदर होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है इसके अभी पूरी तरीके से चेयरमैन हैं। अब उसके बाद इंडिया के पहले वाइस चेयरमैन बने थे जिसे आप राजीव कुमार बोलते हैं, लेकिन दोस्तों अब एट प्रेजेंट टाइम सेकंड जो क्या कहते हैं यहाँ पे पहले जो बने थे वो अरविंद करके बने थे, अरविंद पंगारिया जो है ये पहले बने थे वाइस चेयरमैन किसके, नीति आयोग के। लेकिन दूसरे जो बन गए हैं एट प्रेजेंट टाइम, ये आपका जीके वाला क्वेश्चन है, ये नीति आयोग के राजीव कुमार करके इनका नाम है। एट प्रेजेंट टाइम नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो राजीव कुमार है। हर किसी को पता होता है कि वाइस चेयरमैन कौन है, लेकिन आपको नहीं पता था, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको जीके के बेस्ट पे डालने की कोशिश करी है कि पढ़ाई से रिलेटेड आपको फैक्ट पता होने ज़रूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अकेले ही इस पोर्टफोलियो को नहीं चला सकते, इसीलिए वाइस चेयरमैन की पोस्ट बनाई जाती है। अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी कहीं गोवा में या इंडिया से बाहर है और प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड कोई भी बात करनी होगी तो हमेशा नरेंद्र मोदी को ही नहीं बुलाया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो अध्यक्ष है, वो चेयरमैन है, उनसे ही बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पर वाइस चेयरमैन उनकी अनुपस्थिति के अंदर काम करते हैं और इसीलिए सेकेंड वाइस चेयरमैन जो है वो आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2017 के अंदर ऑफिस में आए थे, ये नीति आयोग के अभी इस समय वाइस चेयरमैन है। तो इसीलिए दोस्तों नीति आयोग जो है वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक नीति के हित में तालमेल और नीति और कार्यक्रम चलाने के लिए एक तरीका बनाया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है ना। तो इसीलिए नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक थिंक टैंक की तरह है कि देश के अंदर देश का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए, केंद्रीय सरकार को कितना मिलना चाहिए और राज्य सरकार को कितना मिलना चाहिए, है ना, इस पे चिंतन और मनन करने का काम हमेशा नीति आयोग का होता है। केंद्रीय शासित प्रदेश को भी कितना क्या कहते हैं हिस्सा मिलना चाहिए, केंद्रीय शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी राज्य जो है, केंद्रीय शासित प्रदेश या राज्य कुछ भी बोल सकते हैं आप दोस्तों, उनको कितना पैसा मिलना चाहिए। नीति आयोग हर किसी तरीके से देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकर फ्रेमवर्क बनाने वाला नीति आयोग है। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर एक गृहिणी जो आपकी मम्मी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो पैसे के मैनेजमेंट को समझता है, तो अगर वो पैसे के मैनेजमेंट को सही तरीके से खर्च नहीं करेगा तो इन फ्यूचर सोचिए आपको कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। घर में एकदम से कोई दिक्कत भी आ जाती है तो उस टाइम पीरियड पर अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से देश में भी एजुकेशन है, देश में महामारियां हैं, कोरोना जैसे अभी चल रहा है, कहीं बाढ़ आ जाती है, तो उन सभी में नीति आयोग ये कोशिश करता है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो दैट इज़ व्हाई एट प्रेजेंट टाइम नीति आयोग क्यों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे नीति आयोग इसलिए बोला जाता है। तो आपको इसे याद रखना है कि नीति की भी फुल फॉर्म बनाई गई है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसलिए इसका नीति आयोग बनाया गया, तो इस पर फोकस करना है प्लीज़। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो का इंट्रो पार्ट था, हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में और भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।